हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहे हैं किसी का, तो इस तरह से रहा दिस स्टोरी इज अनेबल आ रहा है। और फ्रेंड, बार बार आप जिस स्टोरी को देखना चाहते हैं इसी तरह से आ रहा है, और आप अपना स्टोरी देख रहे हैं, आपका स्टोरी कोई भी देख रहा है तो इसी तरह से आ रहा है, और दूसरे को भी स्टोरी देख रहे हैं तो इसी तरह से आ रहा है। जो देखते हैं इस तरह से बार बार आ रहा है, जैसे देखते हैं जितने भी हम यहाँ से जो देखते हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो जितने भी हमारे फ्रेंड या मित्र जिसको हम फॉलो किए हैं, तो हमारा स्टोरी लगा, जो स्टोरी लगाए हैं यहाँ से हम जब क्लिक करें, जैसे देखते हैं जितने भी हैं, तो यहाँ से हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टोरी चल रहा है, ठीक। लेकिन जैसे हम स्टोरी चल रहा है, जैसे बार बार हम देख रहे हैं, तो यहाँ से देखते हैं इस तरह से कुछ टाइम बाद आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, दिस स्टोरी अनेबल दे रहा है, और इस तरह से फ्रेंड प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स कर सकेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखते हैं चल रहा है, ठीक। चलने के बाद यहाँ से जब स्लाइड करेंगे तुरंत यहाँ से अनेबल आ जा रहा है, और कुछ टाइम बाद देखे होंगे कि जैसे हमारा ये बग रहा था, दिखा रहा था, तो फिक्स हो चुका है। जैसे देखते हैं हमारा ये बग फिक्स हो चुका है। और जैसे फ्रेंड आप अपना जो था बग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं और बार बार इस तरह से आपका शो कर रहा है, और जिसे दिस अनेबल प्रोसेस, तो इस तरह से फ्रेंड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से फिक्स कर सकेंगे। जैसे देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी में जितने भी हम फ्रेंड जितने जिसको हम फॉलो किए हैं, जिसका स्टोरी हम देख रहे हैं, तो हमारा दिस स्टोरी अनेबल नहीं शो कर रहा है। जैसे शुरू में शो कर रहा था तो अब नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे इसको फिक्स करना है, इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपने मोबाइल में एक सेटिंग अप्लाई करिएगा। जैसे देखते हैं यहाँ से आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का आईडी बना होगा, तो यहाँ से आपका इस तरह से आईडी है, तो यहाँ से आपको शो करेगा जो देखते हैं प्रोफाइल। पहले प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखते हैं आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो फिर आपका पर्सनल होगा तो प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से आपको प्रोफाइल आइकन पर जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जब रिफ्रेश मारेंगे तो ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन देगा, जो देखते हैं नहीं दे रहा, तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तुरंत इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे फिर आपका स्टोरी का जो 3 डॉट का ऑप्शन ऊपर में नहीं दे रहा, तो यहाँ से कुछ टाइम रिफ्रेश मारेंगे तो आ जाएगा। आने के बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे, तो यहाँ से आपका शो करेगा जो देखते हैं यहाँ से अकाउंट टाइप टूल्स का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्विच टू पर्सनल प्रोफेशनल का ऑप्शन आता है। तो स्विच टू प्रोफेशनल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से आता है। तो फिर इसमें आप अपना क्रिएटर सेलेक्ट करिएगा, डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद यहाँ से कुछ टाइम वेट करना है, देख सकते 30 सेकेंड, उसके ऊपर से यहाँ से क्रिएटर है, क्रिएटर कर लेना है, उसके पर फिर यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे, यहाँ से कुछ स्टेप फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ से कट कर दीजिएगा। जैसे देखते हैं हट चुका है, जो देखते हैं यहाँ से 7 स्टेप कंप्लीट करना है। उसके पर से जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश मारिएगा। रिफ्रेश मारने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपका देखते हैं चलने लगा। और इस तरह से हम भी प्रॉब्लम हमारा जो ये प्रॉब्लम आ रही थी तो हम फिक्स कर चुके हैं। और जैसे देखते हैं जिसको हम फॉलो किए हैं, स्टोरी देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ से चलने लगा। और फिर आपका नहीं चल रहा है और इस तरह से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। बाय द वे, इस तरह से नहीं फिक्स होता है तो यहाँ से आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद अपने मोबाइल में जो होता है यहाँ से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को चेक कर लीजिएगा कि आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पुराना वर्जन होगा, अपडेट नहीं होगा, तो बग जो होता है मिल जाता है, आपके बग दिखाने देता है, तो यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देखते हैं हमारा अपडेट है, अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद फिर से आप अपने मोबाइल में मेनू बार को ओपन करिएगा। यहाँ से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को देखते हैं हमारा बग फिक्स कर चुके हैं, तो इस तरह से आपका बग नहीं फिक्स होता है। तो एक बार अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करिएगा, उसके पर फिर से आप अपने मोबाइल के पावर बटन को दबाइएगा। जैसे पावर बटन को दबाएंगे तो यहाँ से आपका मोबाइल बंद होगा। जैसे बंद होगा उसके पर फिर आप अपने मोबाइल को चालू कर लीजिएगा। चालू करने के बाद फिर से अपने मोबाइल को डाटा को ऑन करिएगा, तो आपके मोबाइल में डाटा स्पीड दे रहा है कि नहीं, पहले आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को यूज करिएगा। जैसे देखते हैं हम यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और देखते हैं हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन सही चल रहा है, स्पीड दे रहा है डाटा, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके पास फिर से आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन तुरंत ओपन हो जाएगा, और यहाँ जब भी स्टोरी देखेंगे तो यहाँ से आपका चलने लगेगा।
तो देखते हैं इस तरह से हमारा स्टोरी चलने लगा और इस तरह से हमारा जो था दिस स्टोरी अनेबल दिखा रहा था, तो यहाँ से आप बग फिक्स होने के बाद हट चुका है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में जब भी प्रॉब्लम आती है इस तरह से अप्लाई करेंगे सेटिंग को, बिल्कुल आसान तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स कर सकेंगे। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।